लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ पनाल खान। श्रीराम कॉलोनी के वाशिंदे नगर निगम पहुंचे, वहीं किया गया नगर आयुक्त व महापौर का स्वागत। सभी के जिंदाबाद के नारे लगाए और बांटी मिठाई। फिरोजाबाद शहर का मोहल्ला श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र को नगर निगम सीमा में बीते दो दिन पूर्व शामिल किए जाने पर आज नगर निगम के दो वर्ष पूर्ण होने पर काफी संख्या में श्रीराम कॉलोनी के महिला पुरुष नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त विजय कुमार, मेयर नूतन राठौर सहित सभी 70 वार्डों के पार्षदगणों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरे मार्ग में नगर आयुक्त जिंदाबाद, महापौर जिंदाबाद, 70 पार्षदगढ़ जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं नगर निगम में भव्यता के साथ स्वागत के दौरान सभी के चेहरों पर अलग मुस्कान देखी। हो भी क्यों ना, आखिर 12 साल बाद उनका श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र नगर निगम में शामिल जो हुआ है। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त व महापौर को मिठाई भी खिलाई। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। ये नारेबाजी की जगह है। 12 साल से सन 2008 में सीमा विस्तार हुआ था, उस समय श्रीराम कॉलोनी नगर निगम में आने से वंचित रह गई थी। कुछ कमी रह गई होगी, कुछ अधिकारियों की कमी या फिर किसी भी कारणवश हमारी श्रीराम कॉलोनी नगर निगम में शामिल नहीं हो पाई। उस विषय को लेकर कई बार हम लोगों ने आंदोलन किए, भूख हड़ताल की, इच्छा मृत्यु की मांग की, सरकार से मांग की, टंकी पर चढ़ गए, बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकार तक हमने बात पहुँचाई। श्रीराम कॉलोनी की जनता ने पूरे सहयोग के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ सच्चा व्यवहार रख के अधिकारियों के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति और राजनीतिक नेताओं के प्रति हमने अपना आंदोलन सुचारू रूप से जारी रखा और आज हमारी श्रीराम कॉलोनी नगर निगम में शामिल हो गई। तो हम लोगों को ये खुशी हुई कि नगर निगम में महापौर जी और नगर आयुक्त की, महापौर जी नगर आयुक्त जी का स्वागत हम लोग अपने श्रीराम कॉलोनी की जनता की तरफ से करें। और जनता की पुकार थी, जनता की मांग थी कि हम नारेबाजी करते हुए और जुलूस के रूप में नगर निगम जाएंगे और इनका स्वागत करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो श्रीराम कॉलोनी जो तकनीकी कारणों से नगर निगम सीमा में सम्मिलित नहीं थी, ऑल्दो ये नगर निगम के परिक्षेत्र में ही आता था, वो सम्मिलित नहीं थी। उसका हमारे सदन ने प्रस्ताव पारित करके और उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट समिति की बैठक हुई उसमें इस श्रीराम कॉलोनी के को नगर निगम सीमा में सम्मिलित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। अतिशीघ्र इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और विधिवत रूप से श्रीराम कॉलोनी नगर निगम का हिस्सा होगी। एक प्रकार से हो चुकी है, चूँकि कैबिनेट डिसीजन हो गया, लेकिन बस औपचारिकताएँ शेष हैं। तो इस प्रकार आप लोगों में बेहद खुशी है, क्योंकि जैसा अभी बताया कि 2008 से ही ये लोग अपने इसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थिति ये थी कि ना ये देहात में इनकी गिनती थी, ना शहरी क्षेत्र में थी, इवन इनके प्रमाण पत्र इत्यादि की भी समस्या इनके सामने थी। तो वह मांग वास्तव में जायज़ थी, आप लोगों ने बहुत आंदोलन भी किए, उसी का परिणाम रहा कि नगर निगम सदन ने भी इनका पूरा सहयोग दिया। एक ध्वनि मत से, एक मत से सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सम्मिलित किए जाने का अनुमोदन दिया था। उसी के क्रम में महापौर जी के नेतृत्व में ये श्रीराम कॉलोनी नगर निगम सम्मिलित हुई है और इसमें अब हम प्रयास करेंगे कि वित्तीय संसाधन हमारे जो उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग करते हुए इन लोगों को और सुविधा भी उपलब्ध कराएं। वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक, विशेषताएं, डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खाज खुजली, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोरिस, सीने में दर्द, COPD, पेट की बीमारी। डॉक्टर UK मौर्य, MBBS जनरल फिजिशियन, मैनेजिंग डायरेक्टर चमन यादव, मोबाइल नंबर 8755576636। क्लिनिक का समय प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक। पता ठाकुर, ऐदल सिंह मार्केट, बंटू हलवाई के पास, आसफाबाद चौराहा, फिरोजाबाद।